operon concept. Okay, so what is the meaning of that operon? Okay, so operon, it is a transcriptional control mechanism of a gene regulation. Okay, so whatever we are seeing here, it is a one type of a transcriptional control. Yani ki transcription ke level mein. What is the meaning of transcription? That is DNA, it is converted into RNA. So us level mein control hoga, gene regulate hoga. Okay, so that we are studying in that operon concept. This concept was given by scientists Francois Jacob and Jacques Monod in 1961. Explain that metabolic pathway are regulated. What is the meaning of metabolic pathway here? मेटाबोलिक पाथवे, दिस इज नथिंग बट कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सो देर आर एन नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एंड वन रिएक्शन इज डिपेंड ऑन अनदर रिएक्शन. मतलब देखो कि एक जैसे कि अगर मैंने बोला कि क्रेब्स साइकिल है, देन एरोबिक रेस्पिरेशन है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो भी फॉर्म होगा रॉ मटेरियल, इट विल बी यूज इन अनदर साइकिल, वो दूसरे साइकिल में यूज होगी. तो वो साइकिल के अंदर जो भी फॉर्म होगा वो थर्ड साइकिल में होगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक पाथवे. ओके, सो दिस टू साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट मेटाबॉलिक पाथवे आर रिलेटेड एज अ यूनिट विद द डीएनए. फॉर एग्जांपल इन इस्टेरिचिया कोलाय, मीडियम के अंदर अगर एड किया है, देन सेल इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ थ्री एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ लैक्टोज. सो उस लैक्टोज के डाइजेशन के लिए वो जो सेल यानी कि वो जो ई कोलाई है वो थ्री टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन उस मीडियम में करेगा. विच आर दोस थ्री एंजाइम आर फॉर्म बाय दिस ई कोलाई? सो दिस एंजाइम आर फर्स्ट वन बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था डायग्रामेटिकली. सॉरी, then beta galactosidase, what is the use of this enzyme? Digest the lactose into galactose and glucose. yani ki ye lactose disaccharide ka conversion glucose aur galactose mein karega. then second one enzyme E. coli form is beta galactosidase permease. Sorry. What is the use of this enzyme? Permits the lactose molecule to enter into the cell. यानी कि वो medium में से उस cell के inside में enter होगा ये enzyme के वजह से. And the third one enzyme, transacetylase, beta galactosidase transacetyl transferase. What is the use of this enzyme? Transfer an acetyl group from acetyl coenzyme A to galactoside. मतलब कि digestion के लिए ये galactoside के पास में acetyl coenzyme acetyl group का formation करेगा. Now synthesis of these three enzymes in E. coli, it is controlled by long segment of DNA. That segment of DNA, a long segment of DNA inside E. coli body, which will control that formation of these three enzymes, are called as the operon. Okay, so all of you clear what is the meaning of operon? हमारे body के अंदर जो भी metabolic reaction हो रहा है, so उसके अंदर particularly कुछ enzymes के formation होंगे, और वो enzyme के formation के लिए हमारे body के अंदर cell के अंदर जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि इसको कंट्रोल करेगा, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ओपेरॉन. ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर जस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेरॉन? नाउ वी विल सी दैट ओपेरॉन इन डिटेल. नाउ कैन सी दैट इन दिस. ओके, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू. ओके, सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम is controlled by long segment of DNA known as
ओपेरॉन. ओके, तो ये पूरा का पूरा जो सिंथेसिस है तीनों टाइप के प्रोटीन के फॉर्मेशन और इनको कंट्रोल करने के लिए उस ई कोला बैक्टीरिया के अंदर जो लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो ये जो पूरा का पूरा लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस थ्री स्ट्रक्चरल जीन, जो कि ये तीन टाइप के एंजाइम्स के फॉर्मेशन करेंगे. सो दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए, होल डीएनए इज कॉल्ड इट एज अ ओपेरॉन. नाउ व्हाट इज अ कंटेंट ऑफ अ ओपेरॉन? So that operon consists of operator region, that is site O, and three structural gene, that is Z, Y, A. जैसे यहाँ पे दिया देखो, नाउ कि यहाँ पे आपके बुक में दिया है structural gene 1, 2, 3. ओके, structural gene मतलब क्या है? तो ये वन नंबर का, जैसे यहाँ पे Z दिया है, Y है और A है, तो वहां पर Z, Y, A का मीनिंग क्या है? That is beta galactosidase enzyme, then transacetylase enzyme. बीटा गैलेक्टोसिडेज ट्रांसफरेज एंजाइम. तो ये तीनों भी टाइप के जीन जहां पर कोड कर रहे हैं, दैट पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन. देन ये पूरा का पूरा जो सिंथेसिस है ना, ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए ये एक साइट है. ओके, नाउ यू कैन सी दैट इन दैट पार्ट. So this site is called it as a operator region. So ye operator region, that site O will decide ki ye pura ka pura synthesis hona hai ya nahi. Okay, so this site, that O region is called it as a operator region and O site in that DNA segment done. The action of structural gene is regulated by operator site with the help of repressor protein. Now you can see that in this diagram. यहाँ पर आपको ये जो DNA के अंदर ये छोटा सा part मिल रहा है, that is called as a regulatory gene. Regulatory gene के अंदर transcription और translation होके वो एक repressor protein बनाएगा, और ये repressor protein ये operator यानी O site के ऊपर bind करेगा, और फिर वो decide करेगा कि ये तीनों भी जो gene है जो कोड करने वाले हैं एंजाइम को, वो फॉर्म करना है या नहीं करना है. ओके, सो दिस जीन इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी जीन, एंड आई जीन इसको इनहिबिटरी जीन भी बोला गया है, बिकॉज इसके प्रेजेंस में क्या होता है, तो ये पूरा सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. मतलब ये जो ओपेरॉन है ये स्टॉप हो जाएगा, और ये तीनों भी टाइप के जो एंजाइम से ये फॉर्म नहीं होंगे. ओके, सो ये जो पूरा कंट्रोल है ये किसके बेसिस पर है? रिप्रेसर प्रोटीन के बेसिस पर है. एंड द रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? सो रिप्रेसर प्रोटीन, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू. ओके, सो दैट रिप्रेसर प्रोटीन इट इज फॉर्म बाय रेगुलेटरी जीन. तो वही पार्ट दिया है, द एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन is regulated by operator site. Means ये जो structural gene है इनका formation होना है या नहीं होना, ये पूरा का पूरा depend किसके ऊपर है? Repressor protein के ऊपर. और repressor protein का formation कैसे होगा? तो देखो ये जो है repressor protein है, और repressor protein कैसे form होगा? Regulatory gene के वजह से. So repressor protein is produced by action of gene I, that is inhibitor known as regulatory genes. Means ये जो जीन है that is called as a regulatory gene. पहले regulatory gene read होगा और उसका formation होगा repressor protein में. मतलब यहाँ transcription और translation होने के बाद repressor protein का formation होगा. Now you can see in this diagram. Transcription हुआ, repressor mRNA बना, फिर ये repressor mRNA में translation हुआ और repressor protein बना. फिर ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है अगर ये ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड हो गया, तो ये पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं जाएगा, और फिर ये तीनों रीड नहीं होंगे. सो अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा. मींस ये जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका फॉर्मेशन करना है या नहीं करना है वो किस पे डिपेंड है? रिप्रेसर प्रोटीन पे. रिप्रेसर प्रोटीन किस पे डिपेंड है? रेगुलेटरी जीन के ऊपर डिपेंड है. और ये पूरा का पूरा सिंथेसिस कहां से कंट्रोल होगा? तो ये ओ साइट यानी कि ये ऑपरेटर रीजन से कंट्रोल होगा. मींस ये ऑपरेटर रीजन यानी एक ब्रेक है जिसको हम लोग लगाएंगे तो अल्टीमेटली ये जो ओपेरॉन है ये बंद हो जाएगा और ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, डन. द जीन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन वेदर ऑपरेटर इज स्विच ऑन और स्विच ऑफ. मतलब देखो ये जो प्रोटीन फॉर्म होना है
ये ओपेरॉन का मेन एम क्या है, ये तीनों भी स्ट्रक्चरल जीन से तीनों प्रोटीन का फॉर्मेशन होना चाहिए। बस ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके ऊपर है, रिप्रेसर जीन एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। अब ये जीन एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये ओपेरॉन स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा उसके ऊपर डिपेंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, सॉरी, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। आगे वाला पार्ट थोड़ा सा न्यू है, सो उसको हम लोग बाद में लेते हैं। इसके पहले हम लोग इसके अंदर कुछ क्वेश्चन होगा तो पहले पूछ लो फिर हम लोग आगे जाएंगे। ओके, सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर, एनीवन हैव अ क्वेश्चन, फिर हम लोग लैक ओपेरॉन हम लोग एक हाथ बार कल देख लेंगे। Now, anyone have a question? Operon को concept सबको समझान। Cell of operon यानी क्या है, देखो so हमारे body के अंदर बहुत type के reaction होते हैं और वो protein का formation करते हैं। बट हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन, जैसे कि अब देखो यहाँ पर भी हमको ये स्ट्रक्चरल जीन के अंदर वाई जेड वाई और ए है, मतलब ये तीनों टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाले। कौन से एंजाइम प्रोटीन यानी एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, कौन सा एंजाइम ये फॉर्म कोड कर रहे हैं, तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज ट्रांसफरेज और एसेटाइल, ऐसे करके तीन टाइप के प्रोटीन का या एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। So, अब ये देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर नॉर्मली जो प्रोटीन फॉर्म होगा तो वो कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होके ही होने वाला है। बट ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे बॉडी के, मतलब ये तीनों अगर एंजाइम्स भी बनाने हैं तो इनको ये जो मतलब जो जीन है इसका एंजाइम्स का फॉर्मेशन करना है या नहीं करना है, तो वो हमारे बॉडी के एक जीन सेट ऑफ जीन है या डीएनए का छोटा सा पार्ट है वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है, और जो पार्ट जीन का या डीएनए का इसको कंट्रोल कर रहा है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे ओपेरॉन। ओके, सो सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम इज कंट्रोल बाय लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए। सो हमारे बॉडी का जो डीएनए का पार्ट इस प्रोटीन के या एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए कंट्रोल हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। नॉर्मली ओपेरॉन के अंदर कितने पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहला मेन पार्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको जो प्रोटीन बनाना है वो कौन से जीन को कोड कर रहा है, सो उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। मतलब देखो ये इतना तीनों जीन जो है ये तीन जीन तीन अलग अलग टाइप के एंजाइम्स या प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाले, तो ये तीनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद इनको चालू रखना है प्रोसेस या बंद करना है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो ये ऑपरेटर एजेंट डिसाइड करेगा। ओके, मींस गाड़ी चलाना है या नहीं चलाना है वो किस पे डिपेंड है, ड्राइवर पे। अगर ड्राइवर ही वहां नहीं बैठेगा तो गाड़ी कैसे आगे जाएगा, सो ये जो ऑपरेटर एजेंट है जो ऑपरेट कर रहा है वो एक मेन है। बट ऑपरेटर एजेंट जो है ऑपरेटर जो रीजन मतलब सीट पर जो बैठेगा वो कंट्रोल करेगा, बट सीट पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पर बैठेगा रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन किस पे डिपेंड है, रिप्रेसर प्रोटीन कैसे बनेगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बनेगा। मतलब उसी डीएनए के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो कि एक टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी जीन। सो रेगुलेटरी जीन में जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो वो बनाते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ये प्रोटीन अगर यहाँ पर आके बाइंड हो गया तो ये पॉलीमरेज जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज ये इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है, तो मतलब आगे का प्रोसेस नहीं होगा। अब अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो यहाँ पर इंड्यूसर मतलब लैक्टोज है, ऐसे सराउंडिंग में जो लैक्टोज है वो ये रिप्रेसर प्रोटीन को जाके बाइंड हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही बाइंड हुआ तो इसका स्ट्रक्चर देखो चेंज हो गया,
अब इसका स्ट्रक्चर चेंज होने के वजह से ये यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं हो सकता है, ये बाइंड नहीं होगा तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्रमोटर रीजन से आगे चले जाएगा और फिर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद, मतलब देखो ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये स्विच ऑफ, ये ओपेरॉन को बंद कैसे करना है वो शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट था इसीलिए ये ई कोलाई के बॉडी के अंदर ये जो ओपेरॉन है ये स्विच ऑफ हो गया और ये तीनों एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जब लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो ये मीडियम से सेल के अंदर आके इस रिप्रेसर प्रोटीन को आके बाइंड हो गया और फिर रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड होने के वजह से वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं, मतलब ड्राइवर यहाँ पर बैठेगा ही नहीं। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, दूसरा कोई इसको चलाएगा और ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये आगे जाएगा और फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होके प्रोटीन का हम लोग